मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन जोशी, एक आयुर्वेदिक चिकित्सक, अपने इस वीडियो के माध्यम से जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। कोविड-19 की तीसरी लहर जो आज पूरी दुनिया को प्रभावित किए हुए है, जिसमें हमारा देश सबसे अधिक प्रभावित है। कोविड-19 जो पिछले वर्ष सार्स कोविड-19 के नाम से एक नया वायरस आया था, जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया, हमारे देश में भी इसका प्रभाव रहा, लेकिन हमने काफी हद तक इससे काबू पाया। लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि ये वायरस अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इतनी तीव्र संक्रमण की दर से हमारे बच्चों और हमारे मध्य आयु वर्ग के लोगों को भी प्रभावित करने लगा? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, हमारी लापरवाही। हम सब जानते हैं कि वायरस अपने पिक्यूलियर स्ट्रक्चर के लिए जाने जाते हैं। ये वायरस प्रोटीन की एक छोटी छोटी स्पाइक्स के अंदर एक कैप्सुलेटेड फॉर्म में आरएनए के मॉलिक्यूल्स के रूप में होते हैं। आप सभी जानते हैं कि वायरस सजीव और निर्जीव की सीमा रेखा के बीच के एक ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो अपना स्ट्रेन बदलते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अस्तित्व के लिए संघर्ष जीवन का एक बहुत बड़ा फलसफा है। ऐसे ही ये वायरस भी अपने स्ट्रेन को बदलते हैं, और आज अभी ही देख रहे हैं ये वायरस अपने स्ट्रेन को बदल रहे हैं और नए नए लक्षणों के रूप में सामने आ रहे हैं। लेकिन हाँ, प्रकृति ने यदि हमें रोग दिए हैं तो रोगों से बचने के साधन भी दिए। लेकिन हाँ, हमने अपनी आदतों में परिवर्तन बहुत आवश्यक है। हमने शायद इन बहुत हल्के में लिया, हमने सोचा कि अब कोरोना चला गया, लेकिन कोरोना गया नहीं, कोरोना दूसरे स्वरूप में हमारे सामने आया और हमने अपनी उन आदतों को छोड़ दिया। हमने सोशल डिस्टेंसिंग, हमने मास्क पहनना, हमने सैनिटाइजेशन शायद छोड़ दिया, हम लापरवाह हुए और ये संक्रमण अपनी तीव्रता की दर से हमें ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू हमारे फेफड़ों को बेकार करने लगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे उपाय जो वर्तमान कोविड-19 की तीसरी लहर से आपको बचा सकते हैं। आप सब जानते हैं ये वायरस अपने स्पाइक्स, जो कि स्पाइक्स हमारे शरीर में रिसेप्टर्स से कंबाइन कर जाते हैं, और ये रिसेप्टर्स हमारे एल्वियोलाइज के अंदर इस प्रकार से प्रवेश करके उन एल्वियोलाइज को बेकार कर देते हैं। आप सब जानते हैं कि हमारे फेफड़ों के द्वारा श्वसन तंत्र की पूरी प्रक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुँचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना, ये पूरी प्रक्रिया अंजाम दी जाती है। जैसे ही हमारे फेफड़े न्यूमोनिया जैसे लक्षणों से प्रभावित होते हैं, वैसे ही ये वायरस जो है वो अपनी संख्या को बढ़ाने लगता है और पूरी तरह से हमारे फेफड़े को यह बेकार कर देता है, जिसके कारण हमारे शरीर में ऑक्सीजन का सेचुरेशन कम होने लगता है। व्यक्ति ऑक्सीजन सेचुरेशन होने के कारण एक बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन में चला जाता है और धीरे धीरे उसके सारे वाइटल ऑर्गन्स काम करने बंद कर देते हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या ध्यान रखना है? ऐसी स्थिति में हमें ध्यान वही रखना है जो हमने पिछले वर्ष भी ध्यान रखा था। हमारे बुजुर्गों, हमारे बच्चों, इनका हमें विशेष ख्याल रखना है। हमने अपनी अच्छी आदतों, जिनमें हाथ धोना, मास्क पहनना और प्रॉपर सैनिटाइजेशन करना, उसका पालन अभी भी करना। लेकिन ध्यान रहे, पिछले वर्ष हमने बहुत सारी चीजों को फॉलो किया था, लेकिन इस बार उसमें एक चीज और ऐड हो गई है, वो है वैक्सीनेशन। तो आप वैक्सीनेशन यदि आपने नहीं कराया और आप उस आयु वर्ग में हैं जिस आयु वर्ग में वैक्सीन लगाई जा रही हैं, तो आप वैक्सीन जरूर लगाएं। वैक्सीनेशन लगाए हुए मरीजों में यह देखा जा रहा है कि उसमें कोविड-19 के संक्रमण होने के बावजूद भी घातकता उस स्तर की नहीं। एक आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के नाते मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आयुर्वेद हमें अपने जीवन को जीने की पूरी एक कला है, और ऐसे में हम प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के एक रात्रि में अच्छी नींद तो प्रॉपरली लेकर के हम अपनी इम्यूनिटी को दुरुस्त कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि यदि हमारी यदि इम्यूनिटी अच्छी रही तो ये वायरस का कोई भी स्ट्रेन हमारे अंदर आएगा पर वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, वो अपने आप को रिप्लिकेट नहीं कर पाएगा, और यदि हम संक्रमित हुए भी तो हम बिना लक्षणों के हम अपने आप को बचा ले जाएंगे। इसलिए आज भी हम ये कहते हैं कि आप उन्हीं आदतों को, घरेलू उन औषधियों का सेवन जरूर करें, जिनमें हल्दी, आप सब जानते हैं हल्दी
हमारे शरीर में एंटीवायरल औषधि के रूप में काम करती है। हमारी नीम, हमारी गिलोय, काली मिर्च, ये सब हमारे किचन में है। इनका काढ़ा जो आप ले रहे थे उसको आप जरूर लें। बार बार आप गुनगुने पानी का सेवन जरूर करें। गोल्डन मिल्क जो आपने इससे पहले गोल्डन मिल्क में यानी दूध में हल्दी डालकर जिस गोल्डन मिल्क को आपने पिया उसको जरूर पिए। ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, जिससे वायरस यदि हमारे फेफड़ों को संक्रमित करते भी हैं तो उतना असर नहीं होता। तीसरी चीज, नस, नाक में, जो कि आप सब जानते हैं जो इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, इस वायरस का प्रवेश का जो मार्ग है वो खांसने या छींकने से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू, नेजल रूट से ये हमारे ट्रैकिया के थ्रू हमारे लंग्स में पहुंचता है। तो यदि हमने नस का प्रयोग किया, हमने नासा में एक लेयर्स बनाई जो प्रोटेक्टिव लेयर है, चाहे हम घी या किसी तेल, अणुतेल जैसे नस का, जरूर हम जो है इसको अपने नासा में अप्लाई करें। इसके अलावा हम अपने आहार विहार डाइट में फ्लूड का प्रॉपर इंटेक रखें। हम अपने नेचुरल फ्रूट्स जो हैं उनका सेवन करें, प्राणायाम को जरूर करें और तनाव मुक्त रहें, ये सबसे जरूरी है। और यदि कोई लक्षण उत्पन्न होता है तो भी आप न घबराएं, अपने आप को आइसोलेट करें और संबंधित चिकित्सक को इसकी सूचना दें। आप घबराएं नहीं, हम COVID-19 की तीसरी लहर से भी हम बच जाएंगे और हम अपने परिवार और अपने समाज को बचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।